नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नेपाल में चीनी निवेश का विरोध होना शुरू हो गया है। नेपाल के दार्चुला जिले में चीन की ओर से निर्मित चमेलिया जल विद्युत परियोजना का काम पूरा होने में देरी हो रही है। वहीं इस पर नेपाल के लोगों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में चीनी निवेश को स्थानीय आबादी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां कई लोग बुनियादी ढांचे में नेपाली हितों को नुकसान पहुंचाते देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ चीन को फायदा पहुंच रहा है। द सिंगापुर पोस्ट के अनुसार नेपाल के दार्चुला जिले में चीन की ओर से निर्मित चमेलिया जल विद्युत परियोजना के सामने चुनौतियां आ रही हैं। इस कारण इस परियोजना के पूरे होने में देरी हो रही है, जिससे इसकी लागत ज्यादा बढ़ गई है। चीन की ओर से निर्मित 30 मेगावाट की चमेलिया जल विद्युत परियोजना अब तक की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। द सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि रन ऑफ द रिवर परियोजना 2010 में शुरू किया गया था और 3 साल के लक्ष्य के मुकाबले इसे पूरा करने में 10 साल लग गए। इसके अलावा चमेलिया परियोजना की लागत शुरू में 6 मिलियन नेपाली रुपए का अनुमान लगाया गया था, जो अभी 16 मिलियन नेपाली रुपए तक बढ़ा दिया गया है। देर से परियोजना के लिए सिविल ठेकेदार के रूप में काम करने वाली चीनी कंपनी चाइना गेजोबा ग्रुप ने HPP पर नेपाल के साथ कई मुद्दे उठाए हैं। समाचार आउटलेट के अनुसार चीन छोटे पड़ोसियों से अपने पैसे निकालना जानता है। 2014 में CGGC ने लगभग 18 महीनों के लिए काम रोक दिया और नेपाल विद्युत प्राधिकरण से अतिरिक्त नेपाली रुपए 1.1 बिलियन की मांग की। इस आधार पर किस सुरंग के निचोड़ के कारण इसकी निर्माण लागत में वृद्धि हो गई है। जब CGGC ने 2018 में इस परियोजना को पूरा किया तो उन्होंने लागत को बढ़ाकर 16 अरब रुपए कर दिया। प्रति मेगावाट लागत के मामले में भी चमेलिया HPP बहुत महंगा है। सिंगापुर पोस्ट ने बताया कि निजी क्षेत्र की कंपनियां नेपाली रुपए 180 मिलियन प्रति मेगावाट की लागत से HPP विकसित कर रही है, जबकि CGGC ने चमेलिया के लिए 3 गुना ज्यादा यानी नेपाली रुपए 540 मिलियन प्रति मेगावाट की मांग की है। नेपाल में चीनी निवेशों का विरोध होना शुरू हो गया है, जिससे नेपाली हितों का नुकसान होता है और जिससे सिर्फ चीन को फायदा मिलता है, जिसके चलते नेपाली लोग अब चीन के विरोध में उतर आए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।